जय श्री वाकाल फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लैपटॉप वाला। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप में एंटीवायरस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, आपके इसमें कौन सा एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है आपको ज़रूरत, उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूँ मैं कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है एंटीवायरस। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं दोस्तों जिस एंटीवायरस की बात कर रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल आता है, उसका नाम है अपने इसमें दोस्तों विंडो डिफेंडर फायरवॉल। इसके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों मैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एंटीवायरस होता है क्या दोस्तों। एंटीवायरस वो होता है दोस्तों जिसमें आप जब भी कोई ऑनलाइन सर्वर पर सॉफ्टवेयर या कुछ डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक जो मालवेयर डाउनलोड हो जाते हैं दोस्तों, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी के पर्पज़ से नहीं चीज़ें चलाते हैं या ऑनलाइन इतना नहीं देखते, सिर्फ नॉर्मली चलाते हैं आप इंटरनेट, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इससे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में या फिर ट्रांजेक्शन या कुछ करते हैं आप दोस्तों, तो वहाँ पर आपको पेड ज़रूरत पड़ेगी, पेड एंटीवायरस ले सकते हैं, या फिर आप फ्री जो ट्रायल वर्जन के होते हैं वो भी एंटीवायरस आप इसमें डाल सकते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इतना जो बड़ा सिस्टम है दोस्तों, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटी के लिए दे रखा होगा दोस्तों। तो आज उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो आपको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ सर्च बार में आ जाएंगे, सर्च बार में आप सर्च करेंगे विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस टाइप का दिखेगा। अब यहाँ पर ये पहले से ऑटोमेटिक रहता है दोस्तों, हेल्प प्रोटेक्शन योर पीसी। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा, टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन या ऑफ। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके इसमें ये ऑन है या ऑफ है। तो सबसे पहले ये देखिए, टर्न ऑन विंडो डिफेंडर, तो यहाँ पर पहले से क्लिक है दोस्तों, मतलब मेरे इसमें पहले से ये ऑन है। तो यहाँ पर सेटिंग में पब्लिक नेटवर्क, ये यहाँ पर भी दोनों में ऑन है। तो ये आप यहाँ से ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप नॉर्मली जब भी चलाते हैं तो इस चीज़ को आप ऑन कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ये बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि एंटीवायरस आपको क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, तो आपको पेड लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन या फिर आप इसी में काम चला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।